छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर भीषण हादसा सामने आया है। इस घटना में रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सुंदर बिस्किट कंपनी के बस को टक्कर मार दी। इस घटना में 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल नागपुर के मेयो अस्पताल में चल रहा है। नागपुर शहर का सबसे हाईवे रोड बोले तो ये कोराडी रोड है। यहाँ पर हमेशा आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गणेश नगरी है, मॉडर्न स्कूल है यहाँ पर अंदर में, जिससे यहाँ पर स्कूल आए दिन स्कूल के बसेस के अंदर जाती है। और एक स्कूल है यहाँ पर, और यही रोड सीधा छिंदवाड़ा टच होता है, दिल्ली रूट है, लेकिन इस स्क्वायर पे हमेशा एक्सीडेंट देखा गया। आज सुबह भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट देखा गया है, लेकिन इस स्क्वायर पे ना ट्रैफिक पुलिस है ना कोई रहते हैं, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट की घटना बढ़ती रहती है। और इसी के आगे में कुछ दूरी पर ट्रैफिक पुलिस अपने एक बैरिकेड लगा के खड़े रहते हैं। जो लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते वो ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद में वापस रिटर्न इसी रोड से इनलीगल तरीके से इसी रोड से वापस आते हैं, जिसके कारण उनके भी कई बार यहाँ पर दुर्घटना घटी है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन नागपुर शहर की ट्रैफिक पुलिस का सबसे पहले ये काम है कि इसी स्क्वायर पे जहाँ पर आबादी है, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, और यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है भोकारा, वहाँ के भी लोग इसी जगह से और इसी स्क्वायर से आना जाना सबका ज़्यादा चलता है। और ट्रैफिक भी देखे जाए तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर बिस्किट फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री आगे में भी है। इसी के कारण आज जिस तरीके से सुंदर बिस्किट के पास से एक गाड़ी आ रही थी और दूसरा ट्रक स्पीड से हाईवे से आ रहा था, दोनों की टकराई दुर्घटना होती रहती है। हमारा एक ही निवेदन है ट्रैफिक पुलिस से कि यहाँ पर पहले ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए, जिसके कारण ये घटनाएं कम हो। संतो, आज सुंदर बिस्किट कंपनी है तेथील मजुरांना बस क्रमांक MH40Y7429 ही नांदागाव येथे त्यांना सोडायला जात होती, तेव्हा ड्रायव्हर चालकाने सावनेर रोडवर आल्यावर त्या मेन रोडवर आल्यानंतर उजवी डावीकडून येणाऱ्या ट्रक बसकडे बघितलं आणि तो क्रॉस करत असताना थांबला। उजवीकडून भरगा वेगाने मोठा ट्रक MP09HJ7230 याने वाहन भरधाव चालून त्याने ठोस मारलेली आहे। गाडीच्या मध्ये ठोस मारल्यामुळे बसचं नुकसान झालं आहे। मजूर 40 मजूर होते त्या बसमध्ये, त्यापैकी 30 जण जखमी आहेत। त्या 30 पैकी काही किरकोळ आहे, 5-6 जण गंभीर जखमी झालेले आहे। घटनास्थळी आणि हॉस्पिटलला माननीय DCP साहेबांनी, निलोत्पल साहेबांनी आणि ACP कार्यकर्ते साहेबांनी आणि आम्ही भेट दिली, त्यांची प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत। तेथील डेप्युटी डीन साहेब आहेत अनिल चव्हाण साहेब, त्यांनी त्यांची टीम लावलेली आहे, त्यांचंही तात्काळ मदत त्यांनी चालू केली। तसेच तेथील डॉक्टर श्री प्रवीण मुन आहेत, त्यांनीही आम्हाला कोऑर्डिनेट करत आहेत चांगलं। नाही, त्यात कोणाची मृत्यू झालेली नाही आहे। हो, ट्रक आणि बस दोन्ही ताब्यात घेतलेले आहे, ट्रकचा चालक फरार झालेला आहे। कॅमेरामॅन दिनू के साथ रितेश बोरकर, V24 तास।